ये पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है हवसापुर, जो भी माना जाता है बिहार यूपी झारखंड में कि महान पर्व जो छठ होता है 36 घंटा का निर्जला उपवास कर करके माता बहन उसे पर्व को मनाते हैं, उसकी तैयारी पूरे बिहार यूपी झारखंड में किस प्रकार से होता है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रोड को सफाया किया जाता है, जिस प्रकार से पानी दे दे कर करके और हर एक वैसे रोड के किनारे से जो भी कचरा होता है, जो भी वैसे सामग्री होता है जिससे हमारे बहन माता के व्रत जो व्रत कर रखते हैं उनको आने जाने में कठिनाई ना हो, उस चीज़ को देखते हुए देखिए किस प्रकार से इस गांव के स्थानीय लोग अपने घरों से कुदाल ले करके, ये कोई वैसा नहीं है कि वेतन के लिए काम कर रहे हैं। तो चचा जी, कितना दूरी तक आप सफाई कर दी आज? 1 किलोमीटर कर दिए, अपने गांव से 2 किलोमीटर सफाई कर दिए। 2 किलोमीटर कर दिए हैं, अभी कितना दूर और सफाई करना है? 2 किलोमीटर और है। कितना सर? 2 किलोमीटर और है। 2 किलोमीटर और है जी। अच्छा, तो इसके लिए आपको पैसा भी मिल रहा है सफाई करने के लिए? नहीं जी, पैसा वैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, तो कैसे कर रहे हैं? हम लोग अपना कर रहे हैं, अपना ठीक के लिए पूजा पाठ के भगवान के नाम पे। अच्छा, भगवान के नाम पे पूजा पाठ के नाम पे कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने गाँव से लेकर के कहाँ तक वो ऐसा साफ करेंगे? मेन रोड ढिबरा पर, ढिबरा पर तक जी। अच्छा, हवसापुर से ढिबरा। तो अच्छा चाचा जी, ये जो जिस प्रकार से साफ कर रहे हैं पानी वगैरह सब दे दे कर करके, तो इसमें तो खर्चे भी लगा होगा सर? तो खर्च गांव घर हम लोग कर रहे हैं मिलजुल के भैया। अच्छा, मिलजुल करके कर रहे हैं। देखिए, अगर बिहार में ऐसे ऐसे लोग होंगे ना तो हमें लगता है ना कि या तो गद्दी पे हो या तो स्थानीय जमीन पे, सभी जगह से कचरा मुक्त हो जाएगा बिहार। नाश्ता पानी सब चल रहा है, ऐसा बात है, भूखे ना है हम लोग। अच्छा, सब कमेटियां से चल रहा है। और वैसे किनका किनका सहयोग रहा इस जगह पे? दीपक जी के है, अशोक सिपाही जी का है जी जी, और यादव जी लोग भी कुछ है, हम लोग भूमिहार समाज से आते हैं जी जी, और लोग यादव जी है, कानू साहब, सब जातीय लोग लगे हुए हैं, कोई इसमें ना है कि छाटल है, पूरा गांव का सहयोग। हाँ, पूरा गांव का सहयोग। अच्छा, तो ये गांव की सहयोग से हो रहा है और आज इस स्थान पे वैसे जो देख सकते हैं कितना कचरा फैला हुआ था, इसको मुक्ति करवा रहे हैं, वैसे पर्व आ रहा है तो इस पर्व को लेकर के सफाई कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि इसको साफ करने से क्या होगा? ये तो हम बहुत पहले से ही सफाई कार्य में लगे हुए हैं, 2019 से ही, मतलब मेरा चल रहा है अभियान सफाई का जी जी। पालीगंज से शुरू किए थे, पालीगंज भी साफ सफाई करवाए थे 2019 में पूरे पालीगंज जी। ठीक है, तो अभी तो छठ पर्व है तो छठ पर्व के लेके भी लोग साफ सफाई करता है, खुद लोग करता है साफ सफाई, और हम सिर्फ जागरूक करते हैं लोगों को, गांव में जागरूक किए हैं और जागरूक करके सब लोग को इकट्ठा किए हैं और सामूहिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिल करके, सिर्फ हम जागरूक करते हैं लोगों को, यही मेरा काम है। ठीक है, और बाकी सब लोग के सहयोग से हो रहा है काम। अच्छा, आगे भी होते रहेगा। आप भी झाड़ू लेकर के आगे आगे चल रहे हैं बहाड़ते हुए, तो आपको क्या लगा कि हम साफ करेंगे? तो ऐसे या तो कोई वैसे अपना पर्सनल घर को सफाई नहीं करता, आप पूरे रोड को साफ कर रहे हैं। हम इसके वजह से हम साफ झाड़ू उठाए हैं जी, क्योंकि हम इस रोड से आवागमन, हमारे गांव से लोग बहुत सारे बच्चे जी, करीब 150 बच्चे डेली आते जाते हैं पढ़ने लिखने, और हम भी कम से कम घर से खेलने कूदने, लोग सुबह में टहलने के लिए हमारे अगल बगल गांव के पूरे पंचायत के सरसी पीपरदहा एनमा घूरना बीघा बंगला सब लोग हमारे फील्ड पर सुबह आते हैं 4 बजे टहलने, हम भी डेली इस रोड से नहीं तो 10 चक्कर आते और जाते हैं जी। तो हम देख रहे थे कि रोड में बहुत गंदगी है, इसके वजह इस पर काहे नहीं अमल किया जाए, तो इसमें हम इस पर अपना गाँव में 2-4 आदमी को और उसको बुलाए, और बुला करके बोले कि भाई देखिए रोड पर बहुत गंदा है, बहुत इससे गंदगी फैल रहा है, तो सारे लोग से हम लोग जुट करके कल पहले सबसे पहले 50 आदमी मिल करके जो जो गांव के लोग यहां पर लैटिंग करने आते हैं जी, जैसे मैं यहां बंगला पर हो गया, ढिबरा पर हो गया, और हमारे ग्राम हफसापुर के भी कुछ लोग आते हैं, उन लोग को कल सब लोग को हिदायत कर दिया गया कि अब तो रोड पर लैटिंग नहीं करना है जी, सबको को कह करके, और फिर हम लोग यहाँ फिर सबके कहे कि मना कर दिए, सबके शौचालय बना हुआ है पर यहाँ पर आते हैं, इसलिए हम लोग अपने सब लोग गांव को सर्वसम्मति से बोले कि चलिए सबको के मना कर दिए हैं, बाकी हम लोग अपने खुद रोड को सफाई करेंगे, और छठी मैया का जो पर्व आ रहा है उसको हम बहुत बढ़िया से स्वच्छतापूर्वक माने कि मनाएंगे, और इसके बाद अगर इस पे जो भी अगर जो इस गांव को हम लोग में हिदायत दे दिए हैं कि इस पे लैटिंग नहीं करना है, अगर वो लोग अगर दोबारा इस पर गंदगी फैलाएंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। मतलब तो देखिए बहुत अच्छा बात कहे, कहीं बहुत ऐसे स्थान है जो रोड के किनारे कई वैसे लोग होते हैं जो बैठ करके अपना शौच बना देते हैं, तो ऐसा ना करें।